छोटा सा काम करके आपको वीकली $470 कैसे मिल सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन 9 के बराबर है, इसको करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप 8वीं फेल भी है तभी भी आप ये कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कौन सा बिजनेस है, अगर आप नहीं करोगे तो याद रखना कोई ना कोई तो इसे कर ही लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर एक वीक के $470 कमाना है तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी हल्के में मत लो। काफी सिंपल तरीका है, छोटे से स्टेप यूज करके आप $470 पर वीक कमा सकते हो डॉलर। सिर्फ एक सर्विस का लोग यहाँ पे तकरीबन ₹7,000 चार्ज करते हैं, कोई 4,000 करता है, कोई 2,500 करता है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कौन सी वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर स्किप करके देखेंगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। यहाँ दोस्तों आपको ऐसे 3D पैकेजिंग लोगों को बना के देना है, ये आपको नहीं करना है, एक टूल आपके लिए काम करेगा, इन्हें काफी अच्छा वर्क है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 3D मॉकअप हो गए, 3D डिजाइन हो गए, जो लोगों को बना के देना है, और लाखों रुपए लोग यहाँ से चार्ज कर रहे हैं, और इसमें कॉम्पिटिशन 9 के बराबर है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी सर्विस ये सेल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है Packdora.com, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अब Packdora ये है कि आपको 3D डिजाइन मॉकअप बना के पैसे कमाने हैं। पैसे कैसे कमाने हैं, आपके क्लाइंट को जो भी 3D डिजाइन है आपके कौन से भी बिजनेस को, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे पिज्जा बेचना है, तो मुझे ये जो रैपर है, ये जो कवर है, वो उसकी डिजाइन बना के दो। या फिर ये मॉकअप्स है, उन्होंने बोला कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करना है, तो आप उनको ये 3D डिजाइंस बना के दे सकते हो और यहां से आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कैसे कमाना है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बारी बारी बात करते हैं कि मॉकअप्स क्या होते हैं, टेम्पलेट एंड डायलाइन क्या होते हैं, और ये किस तरह से आपको इजी तरीके से बनाना है। तो काफी अच्छा है, Packdora के पास में तकरीबन 5,000 के ऊपर आपको डिजाइंस मिल जाते हैं अलग अलग। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करना है, या फिर रैपर बनाना है, या फिर ऐसे बॉक्सेस बनाना है, आपके क्लाइंट को बना के एक्चुअली आपको देना है। जैसे कि देखिए, मैंने उस दिन बात किया था, जैसे कि देखिए न्यू बिजनेस मैंने लोगों को भी बताया था इंस्टाग्राम पे मेरे, कि भाई आप क्या कर सकते हो, मार्केट से ला सकते हो बादाम काजू वगैरह, और 20-20 रुपए का पैकेट, ऐसा पैकेट बना के दे सकते हो। अब बहुत से लोग अलग अलग कंपनी के यहाँ पे जाते, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनकी जो प्रोसेस है वो लेंदी रहती है। यहाँ पे क्लिक करो, आपका रैपर बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा, और आप आपके क्लाइंट को देना जो कि बिजनेस करना चाहते हो। कैसे आपको क्लाइंट लाना है और किस प्लेटफॉर्म में आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप यहां से अच्छे पैसे कमा सको। तो सबसे पहले मैं आपको मॉकअप पे लेके चलता हूं, मॉकअप एंड 3D डिजाइन क्या होती है। यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो बहुत सारे यहां पे देखिए, एज पर योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपको ये काम करना है। बॉक्सेस, बोटल एंड जार, फूड एंड पैकेजिंग कैन एंड जार्स, ठीक है, फूड एंड पैकेजिंग पाउचेस एंड, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। बॉटल एंड जग्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बहुत सारे यहाँ पे आ गए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे योर डिज़ाइन हियर, यहाँ पे हम एक हमारे, अब मैं मेरे क्लाइंट के लिए ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मटेरियल है, यानी आप इसका मटेरियल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे मेटल मैट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ये मटेरियल, और आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, या भाई 330 ml की बोतल चाहिए, 500 ml की चाहिए, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद में 200 ml, ऐसे ऐसे आपको मिलता है, ठीक है। मैं 200 ml पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 200 ml की यहाँ पे बोतल हो गई है, और यहाँ से आप पूरे शेयर भी कर सकते हो, जो कि हम यहाँ पे अभी डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे उसका वीडियो होता है, वो भी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आपके क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। तो कैसे बनाना है, तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे अपलोड ऑप्शन है, उसके सामने डायमेंशन दिया हुआ है, हम डिज़ाइन जो है कैनवास से बनाएंगे। डायमेंशन क्या है यहाँ पे, 661x340 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। तो मैं कैनवा पे आता हूँ, कस्टम साइज पे जाता हूँ, और यहाँ पे 661x340 पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल है तो पिक्सल ही करना, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। जैसे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया कैनवस ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको बनाना है भाई वो डिज़ाइन। तो मैं चाहता हूँ मेरी जो ये बॉटल है, ये एक नया बिजनेस है, तो मैं उसका नाम देना चाहता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए हम बनाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का एक यहाँ पे टेम्पलेट। तो मैं एलिमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक,
बहुत सारे मुझे यहाँ पे डिजाइंस आ गए हैं सॉफ्ट ड्रिंक के। मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहे, तो सॉफ्ट ड्रिंक के डिजाइंस पहले लेता हूँ मैं। ये अच्छा लगा मुझे, ये मैंने यहाँ से ले लिया। कलर मैं यहाँ पे थोड़ा येलो कर देता हूँ और इस पे लिखता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक। और यहाँ पे नीचे मैं आइस रख देता हूँ, यानी अच्छा दिखे। और ये ग्लासेस मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो मेरा यहाँ पे पूरा हो गया सॉफ्ट ड्रिंक। यहाँ पे ऊपर में शेयर के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड पे PNG या JPG फॉर्मेट में आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। फिर से हम हमारे पैकडोरा पे आते हैं, पे आप 3D व्यू देख सकते हो, घुमा सकते हो। अभी जो कैनवास पे हमने बनाया है वो डिजाइन हम लगाएंगे। अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एड इमेज पे क्लिक करता हूँ। ये जो बनाई है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अभी इसको एडजस्ट करना है आपको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग कलर है, आप पैकेजिंग जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। देखिए ये अब कभी भी जो मार्केटिंग के फंडे होते हैं रेड और येलो यूज करते हैं, आप फेंट भी रख सकते हो, आप थोड़ा ब्लू भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेड पे रख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। नीचे डायरेक्ट सेव पे मैं क्लिक करता हूँ और देखिए कितनी खूबसूरत हमारी यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक जो हमने डिज़ाइन बनाई थी वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और दिखने में भी काफ़ी हमारा जो कैनवा से बनाया वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे हमने आइस वगैरह का रखे थे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्लाइंट को वीडियो भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो पे क्लिक किया यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे मैं 3D डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप जैसा चाहे वैसा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। हमारी ये डिज़ाइन जो है बनके रेडी हो गई है, ठीक है। अभी इसको आप इफेक्ट भी दे सकते हो। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा शाइन वगैरह यहाँ पे करेगा। डे लाइट है ये जो है, सिंपल डे लाइट है। अभी यहाँ पे मैं स्काई फायर सनसाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए शाइनिंग आ गई है इस पे। अब नीचे एक और है, यहाँ पे इवनिंग सन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन स्काई फायर सनसेट पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी लग रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ठीक है। इसका येलो बैकग्राउंड कर सकते हो आप, पूरा देखिए येलो हो गया, फेंट रेड हो गया, या फिर आपके हिसाब से आप कौन सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हो। ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जहाँ पे रेड होता है उसका बैकग्राउंड येलो काफ़ी अच्छा लगता है मार्केटिंग के लिहाज से। अब बस यहाँ पे मैं सुपर एक्सपोर्ट पे यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। अभी आपके पास में देखिए यहाँ पे आप ये मॉकअप तो हमने बना लिया, इसका डायलाइन, अभी डायलाइन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो अगर आपके क्लाइंट को भेजना है तो यहाँ से भी आप वीडियो कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोड आपकी भी वेबसाइट हो या आप ब्लॉगिंग करते हो तो भाई यहाँ पे HTML कोड आप यूज करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे इसके ऐड रन कर सकते हो। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद में बहुत सारे शेयर के ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी लिंक कॉपी करके आप आपके क्लाइंट को दे सकते हो, राइट। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो पे देखिए, वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, ये 4 सेकंड का वीडियो, 3 सेकंड का वीडियो, तो देखिए वीडियो रन हो रहा है। अलग अलग वीडियो फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं आपके ब्रांडिंग के हिसाब से। नीचे से कौन सा यहाँ पे आपको सूट होता है वो रेशो सिलेक्ट करिए। अब ये वाला जो है 3 सेकंड का, इस पर क्लिक करने के बाद में ये अलग अलग वीडियोज आपके पास में आ जाएंगे। इसके बैकग्राउंड का कलर आप चेंज तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन काम मॉकअप का। तो चलिए डाइलाइन क्या होता है वो हम जान लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा मेन काम कि इससे पैसे कैसे अर्न किए जा सकते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और शेयर के बटन पे क्लिक करके आप तो लिंक तो ले ही सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे डाइलाइन पे। डाइलाइन यानी क्या होता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। डाइलाइन यानी जैसे कि आप ये देखिए, ये पिज़्ज़ा का बॉक्स है और उसकी ये डिज़ाइन, इस डिज़ाइन से हम ये बॉक्सेस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। और तकरीबन 3000 डाइलाइंस यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए डाइलाइन के यहाँ पे आपको डिस्प्ले बॉक्स चाहिए, ट्रक एंड बॉक्स चाहिए, फोल्डिंग बॉक्स चाहिए, या फिर पेपर बैग चाहिए, स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए, एज पर योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप ये कर सकते हो। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाइलाइन की ये डिज़ाइन आ गई। अब यहाँ पे ओपन क्लोज बॉक्स ही ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको हमें डिज़ाइन करने ऊपर कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट का बॉक्स है, हम चॉकलेट का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लीड ट्रिम एंड क्रीज है। अब ब्लीड एंड ग्रीन जो है ये देखिए यहाँ पे डिजाइन पे दिख रही होंगे आपको, यानी ये ग्रीन के बाहर नहीं जाना चाहिए आपका कोई भी डिजाइन, इस ग्रीन लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो मॉकअप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लू क्या इंडिकेट करता है, ये जो ब्लू एरिया है यहाँ पे मेन पार्ट होगा, यहाँ पे आपको आपके जो भी चॉकलेट का बॉक्स है तो आपको लिखना है या चॉकलेट के जो भी इमेजेस डाल सकते हो वो आपने यहाँ पे ब्लू लाइन के अंदर डालना। अब यहाँ पे ये जो रेड है, इस एरिया से, रेड एरिया से आपका बॉक्स मुड़ेगा, बस यही है, कंफ्यूज मत होना, मैं अभी आपको बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके इनर डायमेंशन यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आउटर डायमेंशन आ जाएगा, तो आउटर डायमेंशन क्या है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डायमेंशन पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, ये सब आपका क्लाइंट बताएगा आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो भी डायमेंशन बोला, जैसे 500x500 का बोला बॉक्स बड़ा चाहिए या 100x100 का छोटा चाहिए, उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे व्हाइट कार्ड बोर्ड कर देता हूँ, तो जो इमेज है हमें यहाँ पे इसको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करने के लिए हम कैनवा यूज करेंगे जो कि काफी इजी है। तो ऊपर यहाँ पे देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे पीडीएफ क्लिक करना है और ऊपर डाउनलोड द डायलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हमारी जो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुकी है, अभी हम पीडीएफ टू पीएनजी फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, पीडीएफ टू जेपीजी में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू जेपीजी पे मैंने क्लिक किया, जेपीजी फॉर्मेट में हमारे ये डाउनलोड हो गए। तो अभी हम आते हैं हमारे कैनवा पे, मैंने डेस्कटॉप पे ये डाउनलोड करके रखा है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, कैनवा से हम डिजाइन बनाएंगे। इस डायलाइन पे इसको अगर आप जूम करोगे तो आपको डायमेंशन दिया रहेगा, यहाँ पे हमें डिजाइन बनाना है 543mm x 580mm। कैनवा पे आते हैं, यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा जो साइज था डायलाइन का वो है 543mm x 543 और यहाँ पे 580 mm की बात हो रही है, तो पिक्सल से हम आते हैं mm पे, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक न्यू कैनवास हमारे सामने आ जाएगा, लेफ्ट साइड में अपलोड की बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी जो हमने पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्ट किया डायलाइन वो इमेज यहाँ पे हम ले लेते हैं, अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डायलाइन आ गया है, इसको मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से, आपको जूम करना है, यहाँ पे देखिए ये रेड ग्रीन लाइन है, इसके बाहर आपकी डिजाइन नहीं जाना चाहिए। अब चॉकलेट का बॉक्स मुझे बनाना है तो चलिए यहाँ पे हम कुछ डिजाइन बनाते हैं। एलिमेंट पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे चॉकलेट लिखता हूँ, यहाँ पे चॉकलेट का ये लगा लेता हूँ मैं, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपके चॉकलेट का जो नाम है, ब्रांडिंग है, वो यहाँ पे आपको लिखना है, फटाक से सब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ऐसी कुछ सिंपल सी यहाँ पे डिजाइन बनाई है, मेरे डायलाइन के अंदर पूरे मैंने यहाँ पे चॉकलेट के बॉक्सेस वगैरह, चॉकलेट के डिजाइन लगाए हैं, आप नाम भी रख सकते हो। ऊपर शेयर के बटन पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आ जाने के बाद में देखिए यहाँ पे 3D डिजाइन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए 3D डिजाइन में आपका जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको हमारी अभी जो डिजाइन हमने बनाया है वो इसको लगा देंगे। देखिए ओपन क्लोज यहाँ पे ऐसे होता है। अपलोड पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एड इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे हमारी ये वाली जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे ला लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये इमेज आ गई है। आप जैसे कि मैंने कहा इसको एडजस्ट कर लेना और आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, या फिर वाइट भी रख सकते हो। मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और सिंपल सा मैंने डायलाइन का यहाँ पे इमेज बनाया था। तो अभी देखिए बॉक्स कुछ इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन क्लोज, ये बॉक्स ओपन और ये बॉक्स क्लोज, ठीक है पूरा। तो देखिए ये चॉकलेट का है, तो बॉक्स पूरा हमारा चॉकलेट का रेडी हुआ है, जो जो हमने यहाँ पे इमेजेस डाली है, ठीक है। इसको भी आपको सुपर रेंडर करके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी डिजाइन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। मैंने आपको मॉकअप बताया, डायलाइन बताया, उससे आपको कैसे आपके क्लाइंट तक डिजाइन पहुंचाना है, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अभी बताता हूँ कि भाई पैसे कैसे कमाएंगे इससे।
यहाँ पे मैंने देखिए फाइवर पे आया 3D पैकेजिंग यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे ढेरों सारे लोग आ गए। देखिए ये बॉक्स पे इन्होंने बनाया है इनके ब्रांड के लिए, आप भी कर सकते हो 3D पैकेजिंग का। यहाँ पे देखिए मैंने कैन बना के दिखाया, ये डिज़ाइन कैनवा से बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे 89 बेच दिया इसने, हर कोई यहाँ पे रिव्यू देता नहीं, कम से कम 500 लोगों ने ये लिया है। आपके हिसाब से चार्जेस लगा सकते हो इस पर। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये प्रीमियम देखिए भाई, सिंपल काम का, यहाँ पे प्रीमियम पे मैं क्लिक करूँगा तो 6000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे आके फाइवर पे आके आपने आपका गिग बनाना है, जैसे इन्होंने बनाया कि मैं ये कर देता हूँ, काफी इजी है। फाइवर पे मैंने वीडियो बनाया, विकास इंग्ले फाइवर डालूंगे तो गिग कैसे बनाना है मेरा वीडियो आ जाएगा। आपको थोड़ी कम कॉम्पिटिशन चाहिए तो पीपल पर आवर पे आ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग साइट है। यहाँ पे आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, फ्री में साइन अप कर लेना है और यहाँ पे भी आपका सर्विस आपने दे देना है। अगर आप बहुत बिजी है तो एक दो कॉलेज के बच्चे 3-4-5 हज़ार रुपये महीना उनको दे देना, उनको बोलना भाई आप ये दिन भर हमारे लिए करते रहे, यानी आप एक एम्प्लॉय हायर करिए और यहाँ से प्रॉफिट बनाना शुरू करिए। इतना प्रॉफिटेबल पैकडोरा ये जो प्लेटफॉर्म है, यकीनन थोड़े से पैसे आपसे चार्ज करेंगे। प्राइसिंग पे मैं आता हूँ, आपको एक कूपन मिलेगा विकास 20, यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और यहाँ पे देखिए सिर्फ $5 मंथली है, $5 ईयरली आपको यहाँ पे ये कर रहा है। अगर आपके 10 भी क्लाइंट बनते हैं महीने के, तो हर महीने आपको डिजाइन के लिए पैसे देंगे। यहाँ पे ईयरली गेट ईयरली पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए $60 है, लेकिन आप कोड डालोगे जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड है विकास 20, तो आपको वो $48 हो जाएंगे। विकास 20 कोड डालने के बाद में मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो $48 यहाँ पे आ गया है। सिक्योर्ड पेमेंट है, पेपाल है, कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इस पे काम करना है, आपके 3D डिजाइंस और डायलाइन यहाँ पे बनाना है। YouTube से पैसे कैसे कमाना है, 1.5 घंटे का मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर ये वीडियो आ रहा है उसको क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपको वहां से, पैकडोरा की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके एंजॉय करिए। मिले तो आपसे ज्यादा, जय हिंद।